अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी और इजी क्रिस्पी बोम्बल फिश फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको रेसिपी की इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर हमने बोम्बल फिश लिया है, इसे अच्छी तरह से हमने मैरिनेट करके मसाला लगाकर कुछ देर के लिए रख देना है। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं फिश में, और फिर फिश को मसाले में अच्छी तरह से मैरिनेट करके 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे आटे में कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 3/4 कप राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, और इसके साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप रवा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और साथ में 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मैरिनेटेड फिश को इस तरह से हमें कोट कर लेना है, हल्का से इसे प्रेस करते हुए कोट करना है इस तरह से। अच्छे से प्रेस करके फिश को इस तरह से कोट कर देना है आटे में, और जब फिश कोट हो जाए तो एक्सेस फ्लावर डस्ट कर दें और ऑयल हीट करके इसे शैलो फ्राई करें। 3 मिनट्स के लिए फिश को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्लिप करके 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तो लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। 3 मिनट्स के लिए फिश हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए फ्राई होकर, तो फ्लिप करके 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे तवे के कॉर्नर्स में कर देंगे, उससे फिश क्रिस्पी रहेगी और बाकी की फिश हम इसमें फ्राई कर देंगे। इस तरह से कॉर्नर्स में कर देना है तवे के। अब बाकी की फिश भी हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह। अब इसे फ्लिप करके 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो कॉर्नर्स की जो फिश है वो हम निकाल देंगे और इसे कॉर्नर्स में कर देंगे। अब कॉर्नर्स की फिश जो क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है उसे हम निकाल देंगे, और जो क्रिस्पी फिश फ्राई हो चुकी है उसे हम कॉर्नर्स में कर देंगे। बस इसी तरह सारी फिशेस को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद गर्मा गर्म क्रिस्पी बोम्बल फिश फ्राई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और इजी क्रिस्पी बोम्बल फिश फ्राई की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।